जैन साथियों नमस्कार, मैं नीतीश चंद्रा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन लेकर के आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ। ये नोटिफिकेशन 13 जून 2024 के डेट में रिलीज़ किया गया है और इसमें क्या कुछ खास है तो देखिएगा। इसका सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है फॉर्म नंबर ऑफ वैकेंसीज इन जूनियर स्केल ग्रुप ए ऑफ इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस IRHS टू बी फिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कम्बाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन। यानी कि जो भी ग्रुप ए इंडियन रेलवे हेल्थ सर्विस में जूनियर स्केल ग्रुप ए की वैकेंसीज है उसको कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन के आधार पर भरने का यहाँ बात कहा गया है। आज हम बात करने वाले हैं चक्षु प्रकाशन की पुस्तक रेलवे सामान्य अध्ययन की और ये TCS MCQ है। यानी TCS के द्वारा रेलवे की जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित हुए हैं उन प्रश्नों का संग्रह है सामान्य अध्ययन का, यानी कि GK का, और ये चैप्टर वाइज है। प्रीवियस ईयर के सारे सॉल्व पेपर्स इसमें से है जो कि आपको LP टेक्नीशियन, NTPC CBT 1, CBT 2, ग्रुप डी, SI, RPF, RRB, JEE और अदर रेलवे सभी एग्जाम्स में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप देख सकते हैं इसके प्रश्नों को और प्रश्नों की प्रवृत्ति को भी, इसमें किस प्रकार से चैप्टर वाइज किन किन चैप्टर्स को समाहित किया गया है सारी चीज़ों को आप देख कर समझ सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न कब पूछा गया है डेट के साथ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं RPF SI और RPF कांस्टेबल के क्वेश्चन बैंक्स गाइड को, जो कि इसके अलावा आपको रेलवे रीजनिंग, रेलवे मैथ्स और रेलवे सामान्य अध्ययन की तो मैं बात कर ही रहा हूँ। इन सब किताबों की सहायता से आप अपने रेलवे की तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। आगे देखिएगा तो इन कंटिन्यूएशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे लेटर रेफर्ड अबव टू Above the undersigned is directed to refurnish firm number of vacancies in junior scale group A of Indian Railways Health Service to be filled on the basis of combined medical service examination CMSE 2024 along with the community wise breakup and vacancies reserved for regions with benchmark disabilities as gender। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी और टोटल कितनी वैकेंसी है, कौन इसे भर सकता है, इन तमाम बातों को हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा टोटल वैकेंसी यहाँ पे है 450। SC कैटेगरी के लिए है, SC ST के लिए 37, OBC के लिए 91, EWS के लिए 45, UR के लिए 197 है और PWBD के लिए 22 वैकेंसी है। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या क्या होगा तो यहाँ पे आपको OA यानी एक पैर इफेक्टिव, एक हाथ इफेक्टिव है, दूसरा एक पैर इफेक्टिव है, दूसरा दोनों पैर इफेक्टेड है लेकिन हाथ इफेक्टेड नहीं है। फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपको क्या चाहिए तो सिटिंग हो सकता है आपका, स्टैंडिंग होना चाहिए, बेंडिंग होना चाहिए, वॉकिंग, सीइंग, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, कम्युनिकेशन, रीडिंग एंड राइटिंग, हियरिंग, ये सभी आपके पास फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आगे देखिएगा तो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड टुवार्ड्स PWBD कंपोनेंट इज ऑन द बेसिस ऑफ 4% एज पर DOPTS लेटर नंबर वगैरह है, उसके बाद 15/1/2018 एज अडोप्टेड बाय मिनिस्ट्री रेलवे। आगे देखेंगे तो द फंक्शनल क्लासिफिकेशन एंड द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ड्यूली फिल्ड इन टू द रिक्वेस्टेड प्रोफार्मा फर्निश्ड बाय द कमीशन अलॉन्ग विथ एनेक्सर 1, 2 and 3 आर इनक्लोज्ड। उसके बाद कुछ नियम कानून वगैरह का हवाला है यहाँ पे, जिसमें एनेक्सर 1, 2 and 3 की बात हो रही है। फर्दर पर्सन सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40% ऑफ रेलिवेंट डिसेबिलिटी शॉल अलोन बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यानी अगर आप 40% से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं हैं, ठीक है, ये 40% से कम अगर अफेक्टेड नहीं है तो आप इसके लिए उचित है, आपके लिए ये रिजर्वेशन आप पर लागू होगा। रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर में प्लीज बी एक्नॉलेज। ठीक है, इस पर जल्दी विचार करने की बात कही गई है। फिर आप देखेंगे वैकेंसी का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया कैटेगरी वाइज, जो कि हमने आपको पीछे वहीं पे बता दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से एक छोटी सी वैकेंसी है रेलवे में। मिलते हैं इसी तरह के अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।